हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं मास्टर ऑफ हॉरर्स का एक और नया एपिसोड जिसका नाम है राइट टू डाई। ये एपिसोड बहुत ही गहरे सस्पेंस से भरा हुआ है, तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। शुरुआत में हम एक खूबसूरत कपल को देखते हैं जिसका नाम क्लिफ और उसकी पत्नी का नाम एबी था। ये दोनों अपनी कार से कहीं पर जा रहे होते हैं। एबी थोड़ी नाराज दिखाई दे रही थी और वह क्लिफ से ये कहती है कि आज ये उसकी आखिरी सिगरेट है और इसके बाद वो सिगरेट नहीं पिएगी। फिर वो क्लिफ को कुछ दिखाने को कहती है जिससे कि क्लिफ का ध्यान ड्राइविंग पर से हट जाता है और सामने सड़क पर एक टूटा हुआ पेड़ होने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्लिफ ने तो अपनी कार की सीट बेल्ट लगाई हुई थी, लेकिन एबी कार से बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है। क्लिफ को कुछ नहीं होता, लेकिन एबी पूरी तरह से पेट्रोल में भीग जाती है। क्लिफ मदद के लिए 911 पर कॉल करता है, लेकिन इतने में कार आँख पकड़ लेती है और आँख की चपेट में एबी आ जाती है क्योंकि वो पूरी पेट्रोल में भीगी हुई थी। एबी का शरीर क्लिफ के सामने ही आग में जलता रहता है और ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। जब क्लिफ को होश आता है तो हॉस्पिटल में होता है। वो डॉक्टर से एबी के बारे में पूछता है और डॉक्टर उसे एबी के पास में ले जाती है। एबी लगभग पूरी तरह से जल चुकी थी। डॉक्टर क्लिफ को ये बताती है कि एबी की नर्व डैमेज हो जाने के कारण वो कोमा में है। एबी कुछ भी सुन, बोल या देख नहीं सकती। उसे कुछ दिनों तक मेडिकल सुपरविजन में जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन उसे फिर से ठीक करने के लिए उसे फुल बॉडी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। अगर एबी को डोनर मिल गया तो वो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं हो सकती। वो ना तो बोल पाएगी और ना ही वो पहले जैसी खूबसूरत हो पाएगी। डॉक्टर क्लिफ को ये ऑप्शन देती है कि या तो वो एबी का ट्रांसप्लांट करवाकर उसे ज़िंदा रखे या फिर उसे चैन से मौत की गोद में सोने दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए क्लिफ को वकील की मदद लेनी होगी। क्लिफ अपने एक वकील दोस्त आईवी से कंसल्ट करता है। वो उसे ये बताता है कि उन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं था क्योंकि उसने अपनी पत्नी एबी को चीट किया था। आईवी क्लिफ को ये जोर देता है कि वो एबी को ज़िंदा रहने दे क्योंकि अगर एबी ज़िंदा रही तो वो उसे बिल्कुल माफ़ कर देगी, लेकिन क्लिफ ऐसा नहीं चाहता था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद में क्लिफ अपने पुराने पलों को याद करता है जिसमें एबी क्लिफ के मोबाइल में उसका और एक लड़की का प्राइवेट वीडियो देख लेती है, जिसे देखने के बाद में एबी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। क्लिफ एक डेंटिस्ट था और उसका अफेयर अपनी क्लिनिक की एक नर्स ट्रिश से चल रहा था। क्लिफ ये सब सोच ही रहा था कि उसे मैसेज दिखता है अपने किचन में, वेक मी, जो कि एबी ने पहले से ही लिखा हुआ था। यहाँ पर एबी हॉस्पिटल में अकेली थी और तभी उसकी पल्सेस मॉनिटर पर बंद हो जाती है, जिसके अगले ही पल हम ये देखते हैं कि क्लिफ अपने बाथरूम के बाथटब में बैठा हुआ है और अचानक उसे सामने से एबी आती हुई दिखाई देती है। क्लिफ को ये लगता है कि शायद ये एक सपना है और धीरे धीरे एबी उसके करीब आने लगती है। एबी क्लिफ के बहुत ही नज़दीक थी और तभी अचानक एबी अपने जले हुए रूप में आ जाती है, जिससे डरकर क्लिफ उसे अपने से दूर करता है और यहाँ पर हॉस्पिटल में एबी की पल्सेस वापस से चलने लगती है। क्लिफ को ये लगता है कि शायद ये उसका सपना या कोई भ्रम होगा, लेकिन उसकी बॉडी वहाँ से जली हुई थी जहाँ पर एबी ने उसे टच किया था। क्लिफ इस घटना से इतना डर जाता है कि वो आईवी को कॉल करके उसे ये सारी चीज़ें बताता है। उसे लगता है कि मानो एबी का भूत वहाँ पर आया हो, लेकिन एबी तो ज़िंदा थी, वो भूत कैसे बन सकती है। तभी अचानक क्लिफ के घर पर एबी की मॉम आ जाती है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहती है। और हमें यहाँ से एक और राज पता चलता है कि एबी के पेरेंट्स बहुत ही अमीर थे, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एबी के नाम कर दी थी। अगर एबी मर गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक क्लिफ होगा। क्लिफ के पास आज जो कुछ भी था, जैसे कि उसका घर, उसका क्लिनिक, ये सब एबी की ही बदौलत था। फिर अगले दिन क्लिफ अपने क्लिनिक पर जाता है जहाँ पर ट्रिश उसे ये बताती है कि एबी ने उसे जॉब से निकाल दिया था, लेकिन क्लिफ उसे वापस से जॉब पर रख लेता है क्योंकि क्लिफ और ट्रिश का पहले से ही अफेयर चल रहा था। फिर क्लिफ अपनी पत्नी एबी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि एबी की बॉडी को साफ किया जा रहा है और उसकी जली हुई स्किन को उसकी बॉडी से निकाला जा रहा है। क्लिफ वहीं एबी के सामने खड़ा होता है और एक पल के लिए उसे ये लगता है कि मानो एबी उसे देख रही हो, जिससे कि वो बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब क्लिफ सच में ये चाहता था कि एबी का सारा पैसा उसका हो जाए, इसीलिए वो उसे मरने देना चाहता था।
लेकिन क्लिफ का वकील दोस्त आईवी उसे ये बताता है कि एबी की माँ ने उस पर केस कर दिया है और अगर वो मर गई तो उसका सारा पैसा उसकी माँ का होगा, ना कि क्लिफ का। फिर अगले दिन क्लिफ अपने क्लिनिक में काम कर रहा था, जहाँ पर आईवी का उसे कॉल आता है जो कि उसे ये बताता है कि कोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि एबी को 48 घंटे के अंदर चैन से सोने दिया जाए, क्योंकि एबी को कोई भी डोनर नहीं मिल रहा है और वो काफ़ी कुछ झेल रही है। और ये सब आईवी का ही किया धराया था, क्योंकि वही क्लिफ का केस हैंडल कर रहा था, जिसके बदले में वो क्लिफ से मोटी रकम लेने वाला था। फिर आईवी एबी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर वो एबी से ये कहता है कि वो जल्दी ही चैन की नींद सोने वाली है और ये सब उसी का ही प्लान है। आईवी को ये लगता है कि एबी कोमा में है, लेकिन वो सब कुछ सुन सकती थी। फिर आईवी के जाने के बाद में क्लिफ अपनी पत्नी एबी से मिलने जाता है और वो उसे किस करता है, लेकिन तभी एबी की पल्सेस फिर से रुक जाती है और वहाँ के डॉक्टर उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। क्लिफ एबी के रूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो एबी की परछाई देखता है जो कि जल्दी ही गायब हो जाती है। आईवी अभी भी हॉस्पिटल में था, उसे पता नहीं होता और वो फ़ोन को देखते देखते एमआरआई रूम में चला जाता है, जहाँ पर मेटल की चीज़ें ले जाना अलो नहीं होता। और हम देखते हैं कि पीछे से एबी की स्पिरिट आ जाती है और वो एमआरआई रूम के सारे इक्विपमेंट्स को चालू कर देती है, जिससे कि मशीन की मैग्नेटिक फील्ड आईवी को खींच लेती है, क्योंकि उसने मेटल की चीज़ें पहन रखी थी। तभी हम ये देखते हैं कि पीछे से एबी आती है अपना शरीर को घसीटते हुए, और वो पूरी तरह से जली हुई थी। वो आईवी के बहुत ही करीब आती है और वो आईवी को भी आग लगाकर मार डालती है। अब क्लिफ को ये पता चल चुका था कि एबी ये सब कुछ कर रही है। क्लिफ डॉक्टर से कहता है कि एबी को जिंदा रखना चाहिए, जिस पर वो उससे कहती है कि अगर एबी को 48 घंटे के अंदर अंदर कोई डोनर नहीं मिला तो उसका शरीर का मांस सड़ने लगेगा और उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर परेशान होकर क्लिफ अपने घर पर पहुँचता है, जहाँ पर उसे पहले से ही ट्रिश मिलती है। क्लिफ बहुत ही परेशान था और ट्रिश उसे सेड्यूस करती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर आधी रात के समय ट्रिश किचन में ड्रिंक लेने जाती है और वो किचन से ही अपने सिडक्टिव फोटोज़ क्लिफ को भेजती है। क्लिफ बहुत ही परेशान अपने बेड पर लेटा हुआ था, वो ये याद करता है कि वो किस तरह से एबी को मनाने के लिए ड्राइव पर ले गया था, जिसके बाद में वो जब ट्रिश के फोटोज़ देखता है तो उसे फ़ोटोज़ में पीछे एबी दिखाई देती है अपने जले हुए रूप में, और वो धीरे धीरे ट्रिश के करीब आ रही थी। और तभी अचानक किचन से ट्रिश के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जब क्लिफ ट्रिश के पास पहुंचता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और ट्रिश को बस दूर से जलने की बदबू आ रही थी। क्लिफ को फिर से एबी का मैसेज दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था स्किन, और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। एबी को बचाने में अब सिर्फ 3 घंटे बचे थे और क्लिफ ट्रिश को हैवी ड्रग देता है जिससे कि वो नशे में रहे, और वो ट्रिश की स्किन को उसकी बॉडी से खींचकर निकालने लगता है। क्लिफ ट्रिश को जान से मारने के बजाय उसे हैवी ड्रग के नशे में रखता है ताकि वो मरे नहीं और उसकी स्किन फ्रेश रहे। अब एबी को बचाने में कुछ ही घंटे बचे थे और वो ट्रिश की पूरी स्किन और उसके अंगों को निकालकर कार से हॉस्पिटल जाता है। और क्लिफ रास्ते में ये याद करता है कि उस रात को क्या हुआ था, और यहीं से इस एपिसोड के सारे राज खुल जाते हैं। एबी को ट्रिश और क्लिफ के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वो उन दोनों का प्राइवेट वीडियो भी देख चुकी थी, जिससे कि वो बहुत नाराज़ थी और क्लिफ उसे मनाने के लिए उसे ड्राइव पर ले जाता है, जहां पर रास्ते में एबी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो क्लिफ को अपनी प्रॉपर्टी और अपनी ज़िंदगी से जल्दी ही निकालने वाली है। क्लिफ एबी की ये बातें सुनकर चौंक जाता है और उसका ध्यान ड्राइविंग पर से हट जाता है, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जैसा कि शो के स्टार्टिंग में बताया गया था। क्लिफ 911 पर मदद के लिए कॉल नहीं करता और वो खुद ही एबी को जलाकर मारने की कोशिश करता है। फिर हम ये देखते हैं कि क्लिफ जल्दी जल्दी ट्रिश की स्किन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर उसे ये पता चलता है कि एबी वहाँ पर नहीं थी। क्लिफ को डॉक्टरों द्वारा ये बताया जाता है कि एबी खुद ही रात के समय मर चुकी है, जिसे सुनने के बाद में क्लिफ बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अपने घर पहुंचने पर क्लिफ ट्रिश की स्किन और उसकी बॉडी के अंगों को डस्टबिन में डाल देता है, और हम ये देखते हैं कि एबी, या यूँ कहें कि एबी की स्पिरिट, उसका दरवाजे पर इंतज़ार करती है। फिर दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था राइट टू डाई का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एबी एक अमीर लड़की थी जिसका पति क्लिफ उसे चीट करता था,
जब एबी को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने पति क्लिफ को अपनी प्रॉपर्टी से निकालने के बारे में सोचा, लेकिन क्लिफ ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी पत्नी एबी को जलाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एबी पूरी तरह से नहीं जलती और बच जाती है। एबी को जिंदा रखने के लिए डोनर की जरूरत थी, लेकिन क्लिफ ऐसा नहीं चाहता था। एबी कोमा में थी और जब जब उसकी हार्ट बीट बंद होती थी तब तब वो अपने शरीर से निकलकर क्लिफ से बदला लेने आती थी। क्लिफ यह समझ जाता है कि एबी तो कोमा में है, लेकिन उसकी आत्मा उसे जीने नहीं देगी, और इसी के डर से वो उसे अब जिंदा रखना चाहता था, जबकि पहले क्लिफ उसे मारने की सोच रहा था। क्लिफ ट्रिश की स्किन निकाल लेता है एबी को डोनेट करने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और एंड में हम ये देखते हैं कि एबी की आत्मा क्लिफ का इंतजार कर रही है उसका बदला लेने के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके अपने व्यू ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।